नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने विदेशों में देखा होगा कि घर की दीवारों में थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है, तो आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि थर्माकोल दीवार के बीच में क्यों लगाया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में उसी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ कि आखिर दीवार के बीच में थर्माकोल का यूज़ किस लिए किया जाता है। सो प्लीज़ वीडियो में अंत तक की बने रहिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपने विदेशों की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे होंगे जिसमें घर बनते समय दीवारों के बीच में थर्माकोल का यूज़ किया जाता है। सो थर्माकोल किस लिए यूज़ किया जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, थर्माकोल का इस्तेमाल वैसे तो कई जगह किया जाता है, लेकिन मामूली सा दिखने वाला थर्माकोल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। इनका ज़्यादातर इस्तेमाल स्कूल के लिए क्राफ्ट बनाने में, बर्फ ना पिघलने के लिए बचाने के लिए और प्लेट को ग्लास बनाने में किया जाता है। लेकिन अब थर्माकोल को घर बनाने में भी इस्तेमाल लिया जा रहा है। थर्माकोल डबल दीवार बनाते समय दोनों दीवार के बीच लगाया जाता है। ऐसा करने से दोस्तों दोनों दीवारों के बीच में थर्माकोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा मजबूती आ जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गर्मी और सर्दी से बचाव किया जा सके। दोस्तों, ये डबल दीवारों के बीच में लगाया जाता है, इसकी वजह से एक तरफ की गर्मी दूसरी तरफ नहीं जा पाती है और दूसरी तरफ की गर्मी एक तरफ नहीं आ पाती है। इससे आप ठंडी से भी बच सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपकी तरफ ज़्यादा ठंडी हो रही होती है, तो आप अपनी दोनों दीवारों के बीच में थर्माकोल का प्रयोग कर सकते हो। उस थर्माकोल की वजह से आपके घर में ज़्यादा ठंडी नहीं रख सकेगी। इसका कहना का मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर अपने घर को इकोसिस्टम प्रूफ बनाना चाहते हो, यानी कि आपका घर किसी ठंडी एरिया में है या फिर गर्म एरिया में है, तो आप अपने घर की दोनों दीवारों के बीच में थर्माकोल काम में ले सकते हो, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर न ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा न ज़्यादा ठंडी का एहसास होगा। गर्मी के मौसम में बाहर की तरफ से दीवार पर पड़ने वाली धूप से गर्मी अंदर आ जाती है दोस्तों, हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है जिसकी वजह से कमरा गर्म नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थर्माकोल जिस तरह से गर्मी में काम आता है, ठीक उसी तरह सर्दी में भी काम आता है। आप इसको दोनों मौसम में यूज़ कर सकते हो अपने घर की दीवारों में। अगर आप अपना घर नया बनवा रहे हो तो अपने घर की दीवारों में थर्माकोल लगवाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका घर वातानुकूलित हो जाएगा आपके अनुसार। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी तब भी हो जाएगा और ज़्यादा ठंडी पड़ती होगी तब भी हो जाएगा। सर्दियों के मौसम में दीवार के बाहर की सर्दी कमरे के अंदर नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से हमें ठंड नहीं लगती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तकनीक को अब विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत के कई ऐसे राज्यों में और कई ऐसे घरों में प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी सहायता से हम अपना वातानुकूलित घर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये नई टेक्नोलॉजी कैसी लगी, हमें वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर दीवार के बीच में थर्माकोल क्यों लगाया जाता है। सो प्लीज़ वीडियो को इसी बात पर लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं और बेल आइकन नीचे दिए गए लाल वाले बटन से दबा सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको आपके फ़ोन में तुरंत मिल जाया करें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।